राजस्थान के नाडोल स्थित नए राजयोग सेवा केंद्र शिव शक्ति भवन का उद्घाटन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, पाली सांसद टीपी चौधरी और अन्य गणमान्य अतिथियों ने किया। इस अवसर पर पाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, उप जिला प्रमुख, प्रधान, तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान सभी ने संस्थान के कार्यों और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। एक परमात्मा के घर का उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं आप सबको, क्यों घर तो सबके बनते हैं, हमारे भी बनते हैं, सबके बनते हैं, परंतु परमात्मा का घर जब बनता है तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ने इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तक ले गए और वहां से सम्मानित होना और उनके द्वारा रिकॉग्नाइज करना ये कोई छोटी बात नहीं है, तो हमें गर्व होता है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय पे जो भारत का नाम पूरे विश्व में किया। कार्यक्रम की शान बढ़ाने मधुबन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी, बीके कविता दीदी, बिजली विभाग के प्रभारी बीके सुधीर भाई समेत बड़ी संख्या में मधुबन निवासी भाई पहुंचे थे। इन सभी का स्वागत सम्मान सादड़ी सबजोन प्रभारी बीके सुचिता दीदी, नाडोल सेवा केंद्र प्रभारी बीके नमिता बहन ने किया। आयोजन में एक भव्य रैली भी निकाली गई, जिसके द्वारा स्थानीय निवासियों को परमात्मा अवतरण और उनके दिव्य कार्य की जानकारी लेने के लिए शिव शक्ति भवन आने का आह्वान किया गया।